अफगानिस्तान की हालत इस वक्त किसी से छिपी नहीं है। जहां एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान को नोच रहा है तो दूसरी तरफ पाक भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इस बीच अफगानिस्तान और चीन के बीच भी गहरी दोस्ती पनपती दिख रही है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान के कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने मंगलवार को चीन के काबुल स्थित राजदूत वांग यू से मुलाकात की। इस दौरान चीन की तरफ से लगातार मदद करने का भरोसा दिया गया। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करते कहा कि चीन ने मानवीयता सहायता के तौर पर 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता का वायदा किया है। इसके साथ ही चीन ने अफगानिस्तान की लगातार मदद का भरोसा दिया है। इधर चीन ने सोमवार को अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सक्रिय कदम उठाकर युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने का आह्वान किया था, जिससे देश में आर्थिक संकट को कम करने में मदद मिल सके। साफ है कि तालिबान, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी का भारत को वक्त रहते हल निकालना होगा। अगर ऐसा भारत ने नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक चुनौती सामने आ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आज दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज 2 पाकिस्तानियों समेत 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से की है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। 3 राज्यों की पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए। ये आतंकवादी 3 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आतंकवादियों में 2 पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद से ही भारत में आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान का समर्थन मिलने के बाद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार अब हुकूमत पर आ गई है। इसी बीच लगातार भारत पर आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने की आशंका बताई जा रही थी। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तान से हैं। इनके पास बड़ी संख्या में विस्फोटक भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इन 6 आतंकवादियों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी और तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये आतंकवादी यहाँ किस मकसद से आए थे और इनका असली इरादा और निशाना क्या था। सियासत एक ऐसी तलब है जो गाहे बगाहे उठी जाती है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, तो कभी भीड़ से पिटते इंसान के नाम पर। तो ऐसे में बस इतना समझ लीजिए कि सियासत जो है सियासी जमातों की जरूरत है, और ऐसे में पक्ष और विपक्ष से अपने अपने तराजू से तोल रहे हैं और अपने नफे नुकसान के हिसाब से मुँह खोल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम योगी पर नाम लिए बगैर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। सीएम योगी ने भी राहुल के वार पर करारा पलटवार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने राहुल गांधी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए कहा कि जिन्ह के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तेसी। सीएम योगी के कार्यालय का जो ट्वीट है वो यहीं पर नहीं रुका। सीएम योगी के कार्यालय ने आगे लिखा, और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। जिस तरीके से वार और पलटवार का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे में ये तो तय है कि यूपी के चुनाव को लेकर के चाहे बात हम करें बीजेपी की या विपक्षी पार्टियों की, वो दोनों ही तैयार है, और ऐसे में कोई भी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस का दामन छोड़ने वाली सुष्मिता देव को टीएमसी में अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। टीएमसी ने सुष्मिता देव को राज्यसभा में भेजने का मन बना लिया है और उन्हें नॉमिनेट भी कर दिया है। टीएमसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। टीएमसी ने ट्वीट में कहा कि ममता बनर्जी का एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को सशक्त बनाना। राजनीति में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी रहे, उनका ये कदम उस उद्देश्य को पूरा करने में मददगार रहेगा। खुद सुष्मिता देव ने भी टीएमसी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ममता को अपना नेता बताते हुए कहा वे पूरी शिद्दत के साथ राज्यसभा में लड़ने वाली हैं। बता दें कि पिछले महीने 16 अगस्त को सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जिस समय उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तब वे बतौर महिला विंग की अध्यक्ष काम कर रही थी। जिस समय बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब सुष्मिता कांग्रेस की कई फैसलों से नाराज बताई जा रही थी। ऐसे में ठीक समय देखते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल होने का मन बना लिया। फिर बाद में अभिषेक बनर्जी के सामने ही टीएमसी की सदस्यता ली और ममता को अपना नेता चुन लिया। अब सुष्मिता देव टीएमसी से राज्यसभा में जाने की तैयारी में है। 9 सितंबर को ही राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है, और इसी कड़ी में टीएमसी ने सुष्मिता देव को
उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुष्मिता देव राज्यसभा में जाती है या फिर नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने रैली कर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी किया। एक तरफ बीजेपी की नजरें जाट वोट बैंक पर है, जिनका प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ने ये जताने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की ऐसी महान विभूतियों को भुला दिया और अब उन गलतियों को सुधारा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जाटों समेत पूरे ओबीसी समुदाय को मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की और अंत में पीएम ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। यूपी का मौसम चुनावी है, लिहाजा अलीगढ़ से पीएम ने विपक्ष पर वार किया तो अखिलेश ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ने का काम कर रही है, घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना चुनाव चिन्ह भी बुलडोजर रख लेना चाहिए। हालांकि वक्त के साथ ही पता चल ही जाएगा कि आखिर जीतेगा कौन, लेकिन जिस तरीके से वार और पलटवार देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में ये काफी तेज होने वाला है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। लघु उद्योग भारती भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने एक सुर में रखी मांग, केंद्र सरकार से की मांग जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून किया जाए लागू। जोधपुर शहर के लघु उद्योग भारती भवन में आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग को लेकर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी, ज्ञानदेव आहूजा, सुमन शर्मा ने प्रबुद्ध जनों को जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही हानि को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज देश में जो हालात बने हैं उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान इस फाउंडेशन के जिला संयोजक अतुल बंसाली और सुरेश मुथा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिला स्तर पर भारत माता यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा जाएगा और मांग की जाएगी देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में दिन जो तस्कर है उनके लिए सख्त रहा। जहां पहले सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच ने भिलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर 560 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ में चार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, वहीं दोपहर बाद में एनडीपीएस कोर्ट ने दो तस्करों को बड़ी कड़ी सजा सुनाई। जयपुर सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच ने इस बात की सूचना भिलवाड़ा पुलिस को दी थी कि 79 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर गांजे की अवैध तस्करी का मामला सामने आ सकता है। इसके बाद में भिलवाड़ा पुलिस अलर्ट हो गए। भिलवाड़ा पुलिस ने सीआईडी सीबी की क्राइम ब्रांच के जो उपाधीक्षक हैं पुष्पेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में जाल बिछाया और चार तस्करों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मोरडा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करने के आरोप में उदयपुर निवासी आसू तलरेजा, दयाराम वैष्णव, नारायण मीणा व हरिशंकर मीणा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि पकड़े गए गांजे की लागत करीब 60 लाख से अधिक की बताई जा रही है। उधर एनडीपीएस कोर्ट भिलवाड़ा ने आज एक तस्करी के मामले में 14 साल के कारावास की सजा अफीम तस्कर को सुनाई है। बताया जा रहा है कि भिलवाड़ा कोर्ट ने एनडीपीएस के एक मामले में 6 अप्रैल 2017 को सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड पर 4 किलो 500 ग्राम अफीम की तस्करी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में तस्कर को 14 साल के कारावास के साथ साथ एनडीपीअर्स कोर्ट ने 1,40,000 रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने भी सख्त आदेश दो तस्करों के खिलाफ सुनाया, जिसमें एक तस्कर को 14 साल के कठोर कारावास तो दूसरे तस्कर को 12 साल के कठोर कारावास में उनको अर्थदंड से दंडित किया। इन दोनों फैसलों के साथ आज जिस तरह से पुलिस और सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये कहीं ना कहीं तस्करों में भय पैदा करने में कामयाब रहेगा। पुलिस कितने भी कानून की पालना कराए पर बांसवाड़ा में भांगड़ा यानी कि मौत के बदले पैसे की कीमत तय होना एक प्रकार से प्रथा बन गई है। आज मंगलवार शाम को भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जब एक मार्बल फैक्ट्री में
एक मजदूर की मौत हो गई जिसका भांगजड़ा करीब 9 लाख रुपए में निपटा है। इसके बाद ही सबको मौके से उठाया जा सका है। बांसवाड़ा शहर के पीपलवा औद्योगिक क्षेत्र में सेतु मार्बल है। यहाँ पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे पत्थर खिसकने से 3 मजदूर दब गए। इसमें एक मजदूर विकास निनामा की मौके पर मौत हो गई और उसके 2 साथी ओमकार और एक अन्य किसी तरह बच गए। इस घटना में कम से कम यह तो स्थिति स्पष्ट है कि मार्बल संचालकों की इसमें लापरवाही थी, वरना इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता कि 3 मजदूर उसमें दब जाएं। गनीमत रही कि 2 मजदूर बच गए, अन्यथा हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। इस मामले में जो मार्बल कारखाना संचालक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, इसलिए भांगजड़े का सहारा लिया गया। अब इसे महज एक सामान्य एक्सीडेंट बताकर ही आगे जांच पड़ताल होगी और मुकदमा भी किया जाएगा। पूरी समझाइश के नाम पर पैसे की कीमत का मामला आखिर में 9 लाख रुपए में निपटा। उसके बाद ही शाम 7 बजे बाद मृतक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर के कल पोस्टमार्टम कराया जाएगा।